हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। ये वैसे बात मैं पहले भी आपको बता चुकी थी कि आज के टाइम पे नौकरी लेना नहीं, एक नौकरी भी एक खेल बन चुका है। जैसे कि एक खेल के बारे में जानते हैं, IBPS ने जो हमारे साथ खेला कि 72 आवर्स पहले एडमिट कार्ड रिलीज किया और बोल दिया कि 2 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है। अब कोई बच्चा कैसे तो कन्विंस का इंतजाम करे, कैसे जाने का इंतजाम करे, बच्चा पढ़ाई करे या ये सोचे कि मैं जाऊंगा कैसे, बहुत बड़ी दुविधा में आ रखी। मुझे पता है कि मैक्सिमम RRB PO ऐसा एग्जाम है जिसमें आप एक स्टेट दूसरे स्टेट के एग्जाम देने जा सकते हैं। जिस स्टेट में कट ऑफ, जिस स्टेट में वैकेंसी नहीं है, आप दूसरे स्टेट में एग्जाम देने जा सकते हैं। और COVID-19 की वजह से हर एक स्टेट ने अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन बना रखे हैं, तो एक स्टेट को दूसरे स्टेट में जाना बहुत मुश्किल काम हो रखा है। पर किसी ने हमारी ना तो सुनी थी, हमने पहले ही बोला था, इस चीज पे आवाज लगाई थी कि एग्जाम को या तो पोस्टपोन किया जाए या तो शिफ्ट किया जाए, कुछ दिन शिफ्ट किया है, या फिर ऐसी कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाए जिससे कि बच्चे एग्जाम सेंटर तक पहुंच सके। लेकिन अब इन बातों को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एग्जाम कुछ ही दिनों के बाद है, कुछ नहीं, 1 दिन के बाद एग्जाम है, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो आज के टाइम में आपसे यही बोलूंगी, ये ना सोचिए कि एग्जाम पोस्टपोन करवाना है कि क्या करवाना है। इस समय अपना ध्यान इस पर लगाइए कि मुझे एग्जाम देने जाना है, जैसे भी हो मुझे एग्जाम देने जाना है। अगर आपका एग्जाम सेंटर कहीं दूर है, आपको लगता है हम पहुंच नहीं पाएंगे या फिर कुछ भी पॉसिबिलिटी लग रही है, तो किसी अपने घर पे किसी दोस्त को, कोई बड़ा इंसान हो या फिर पेरेंट्स को, किसी को लेके जाइए, जैसे कि बाकी जो दिक्कतें आप सामना कर रहे हैं वो सामना को थोड़ा सा कम करना पड़े आपको। अपने साथ किसी मोटिवेटर को लेके जाइए, मोटिवेटर इंसान जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहे, जैसे कि आपके कोई बड़ा भाई हो, आपकी कोई बड़ी बहन हो या फिर आपके पेरेंट्स में से कोई भी लेके जाइए, जैसे कि आपको दिमाग जितना आपका शांत और कूल माइंड रहेगा उतना ज्यादा आप एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। मुझे पता है वहां पे पहुंचना बहुत दिक्कत रहेगा, बहुत कुछ चीजों का सामना करना पड़ेगा, पर अगर आज के टाइम में नौकरी लेना बहुत मुश्किल काम हो रखा है और आज के टाइम में सरकारी नौकरी भाई बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं उसमें मुश्किल ही लग रहा है कि आज बाद में कभी, और जैसे वैकेंसीज का कम होती आ रही है कि अगले साल तक कुछ वैकेंसी निकलेगी या बचेगी भी या नहीं बचेगी, बहुत मुश्किल चीज है। तो अपना पूरे जी जान लगा दीजिए एग्जाम हॉल पे पहुंचने के लिए, दिमाग को डाइवर्ट मत कीजिए कि एग्जाम नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कुछ मत सोचिए, पूरा देखिए कि देखिए पहले कि जाना हमें कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे इंतजाम कर सकते हैं, जितना आपसे बन पड़े उतना ज्यादा अपना एफर्ट लगाइए। और जो बच्चे एग्जाम हॉल पर ना पहुंच पाए तो आपसे मैं यही बोलूंगी, सब लोग एक बार IBPS की साइट पे जाके ग्रीवेंसेस में है जरूर डालिएगा कि कैसे कैसे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो पहले तो बात यह कि अपने एफर्ट्स पूरा लगे, और इन केस नहीं भी पहुंच पाते तो ग्रीवियंस जरूर डालिएगा और ट्राई कीजिएगा अगले एग्जाम पे आप टाइम से पहुंच पाए। इतना ही मैं आपसे बोलना चाहूंगी। और एक और चीज है, आप लोग अपने फ्रेंड्स की यहाँ पे हेल्प भी कर सकते हैं। आप सब लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोग कहाँ कहाँ पे आपका घर है या फिर आपका सेंटर्स कहाँ पे है। अगर कोई स्टूडेंट आपके घर के आसपास या फिर आपके सिटी में अगर उसको एग्जाम सेंटर पड़ता है तो आप उसको रेसिडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट आप अपने घर पे ना रुकवाएं तो एटलीस्ट आप नियरेस्ट कोई होटल हो या फिर कोई जगह हो रुकने की आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। इफ पॉसिबल रहे तो अपने आसपास के लोगों की थोड़ी हेल्प भी कर सकते हैं, अब इस चीज़ में जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी, जितना हो सके अपने फैमिली हेल्प कीजिए अपने आसपास की भी, और ग्रीवेंसेस में ज़रूर डालिएगा और अपना दिमाग बाकी चीज़ों में ना लगाते हुए मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, दिमाग एक जगह पे फोकस रखिए जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, तो इसी वीडियो को यहीं पे करते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू।